ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार को लेकर मुस्लिम संगठनों ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। मुस्लिम संगठनों ने देश के नामे इस्लामी शिक्षा के केंद्र देवबंद में बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें 5,000 से ज्यादा मुस्लिम संगठनों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट में आगामी 26 मई को अहम सुनवाई होनी है। वहीं ज्ञानवापी और कुतुब मीनार को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने 28 और 29 मई को मुस्लिम संगठनों को बुलाया है। आपको बता दें कि इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी ने संगठनों से ज्ञानवापी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया था। जमीयत उलमाए हिंद के आह्वान पर देवबंद में होने वाली इस विशाल महासभा में तकरीबन 5,000 मुस्लिम संगठनों के भाग लेने का अनुमान है। इस सभा में ज्ञानवापी कुतुब मीनार मथुरा में ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा होगी। साथ ही मंदिर मस्जिद में चल रही बहस के बीच कई प्रस्तावों को अपनाने की संभावना है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि कुछ शरारती तत्व इस मामले के बहाने दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें संयम बनाए रखने की जरूरत है। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी सभी अदालतों में मुकदमा लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि इस मामले में अंत तक मजबूती से लड़ेंगे। देश के बाकी संगठनों से अपील है कि वे इसमें सीधे हस्तक्षेप न करें। इसके अलावा मदनी ने कहा कि इस विवाद को लेकर हमें सड़क पर नहीं जाना है, अभी मामला कोर्ट में है और हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है। मदनी ने कहा कि इस बीच कुछ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उनसे सावधान रहना है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने उलेमाओं, वक्ताओं और टिप्पणीकारों से अपील की है कि वो टीवी डिबेट और बहस में हिस्सा लेने से बचें। उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सार्वजनिक बहस में भड़काऊ कथन और सोशल मीडिया में भाषणबाजी किसी भी तरह की देश और मुसलमानों के हित में नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।